सफर मेरा मुझे लगता है कि बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग रहा है। हर किसी को ऐसी उम्मीद होती है और एक बहुत मतलब अच्छी बात है कि आप हर इंसान सबसे बेस्ट की एम करता है, लेकिन आज मैं यहाँ फिनाले तक पहुँचा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत साथ में विनोद छवि बहुत काबिल हैं और उनके बीच में यहाँ तक पहुँचना आई थिंक इट इज़ मैं बहुत खुश हुआ। क्या सफ़र रहा मेरा, मैं आज सेमेस्टर से बुलाता हूँ मुझे टॉप, अगर ये टॉप 10 होता तब भी मैं खुश था। मुझे उतनी उम्मीद या ना उम्मीद थी अपने आप से जितनी आज थी यहाँ तक पहुँचने की, क्योंकि जब आप घर में होते हो तो आप अकेले, हर इंसान जो है जो अंदर है घर में उसकी अपनी कहानी चल रही है अपने दिमाग में, उसको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि हिंदुस्तान को क्या पसंद आ रहा है। यू नो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट बी योरसेल्फ एंड जस्ट बी। तो मुझे हर बार जब मैं नॉमिनेट हुआ इतनी बार भाई साहब मुझे इतनी बार नॉमिनेट किया गया, तो मुझे हर बार जब नॉमिनेट हो जाता मैं ना बड़ा स्ट्रॉन्ग फील करता था कि नहीं नहीं यार नहीं जाऊँगा, नहीं नहीं अपने आप से उम्मीद है यू नो यू शुड बी पॉजिटिव। लेकिन एक नर्वसनेस हमेशा से थी क्योंकि ऑब्वियसली शो का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको नहीं पता कि बाहर 24 घंटे में क्या दिख रहा है क्या नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ तक पहुँचा और आज वो सुबह चालू हुई तो मैं अपने आप को देख के बार बार आईने के सामने देख के बोलता है नॉट बैड यार, यहाँ तक तो आ गया। MC stand का जीतना आपके लिए ऐसा कोई नहीं है जो डिजर्व, जो जहाँ तक पहुँचा वहाँ पर आज स्टैंड डिजर्व करता था। वो बहुत ही अल्लाह का बंदा है और सच्चा है और अच्छा है और बच्चा है और कामयाबी उसे किसी गलत छूट रही है, रियली हैप्पी। बट आपके लिए सरप्राइजिंग था क्या? बिल्कुल 100%। और आज मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि इससे पहले किसी सीज़न में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, पर इस सीज़न में दो अवार्ड मिले, एक एमसी स्टैंड को जो उसने अवार्ड लिया और एक मुझे जैसे भी बाहर आया और मतलब हेलो एक का कबूल, मैं सेल्फी वीडियो बनाई है मेरे लिए, मतलब आप समझ रहे हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। तो यू नो आई थिंक वो जीत जो पापा बोल रहे थे आई थिंक आप ऑलरेडी तो मुझे नहीं पता भी नहीं कोई शो क्या है क्या नहीं है, बट जस्ट फॉर द फैक्ट कि मैं कलर्स में हूँ एंड एक ना कपूर किया जो है एक का मैम का, आई एम रियली रियली हैप्पी एंड दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी।